पॉपुलेशन साइज क्या है पॉपुलेशन के ट्रेड्स क्या हैं वो तमाम पॉपुलेशन जो के उस स्टोर के कैचमेंट एरिया में है उसके सराउंडिंग में है उसके ट्रेडिंग एरिया के अंदर है सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे कैचमेंट एरिया में कितने कस्टमर्स मौजूद हैं बिकॉज़ वो आइडेंटिफाई करेगा कि वो आपका जो कस्टमर है वो कितना बिजनेस आपको दे सकता है इसी तरीके से कॉम्पिटिशन जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन के हवाले से तो यू हैव टू सी कि जिस स्टोर लोकेशन को मैं आइडेंटिफाई करना जा रहा हूँ या मैं सेलेक्ट करना जा रहा हूँ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे कॉम्पिटिशन में वहां उसके आसपास कितने आउटलेट्स मौजूद हैं क्या फॉर एग्जाम्पल मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर अकेला मौजूद होंगे या मैं किसी मॉल के अंदर हूँ जहाँ पे बी लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन या मैं एक ऐसी मार्केट के अंदर हूँ विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि मैं किसी लिबर्टी मार्केट के अंदर कोई क्लोथिंग का कोई टेक्सटाइल का आउटलेट खोलने लगाऊँ तो ऑफकोर्स देर विल बिल लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन सो आपको एज़ ए रिटेलर फॉर ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पास सराउंडिंग में कितना कॉम्पिटिशन मौजूद है फिर उसके बाद देन यू नीड टू सी कि जो स्टोर लोकेशन में आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस है या नहीं है मोस्ट ऑफ़ द केसेस में जब हम लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं या सेलेक्ट करते हैं किसी स्टोर के लिए वो इस बेसिस पे हो रही होती है इन जनरल कि ये जगह मेरे पास मौजूद है नॉर्मली आपको ये तमाम क्राइटेरिया से पूरे उतार के देखना है कि क्या वो जगह मेरे रिटेल स्टोर के लिए सूटेबल भी है या नहीं है सो ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस टू द कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर कस्टमर को वहां ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस नहीं है तो कस्टमर आपके स्टोर नहीं आ सकेगा और रिजल्टेंटली यू विल नॉट बी एबल टू गेट सेल्स और यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट रेवेन्यूज आउट ऑफ इट देन पार्किंग अवेलेबिलिटी अक्सर मॉल्स को अक्सर शॉपिंग मॉल्स को आप फेल होते हुए सिर्फ इसलिए देखेंगे बिकॉज दे डू नॉट हैव एडिकुएट पार्किंग फैसिलिटी और सक्सेस स्टोरी के पीछे भी यही है कि अगर दे हैव द एक्सलेंट पार्किंग फैसिलिटी तो रिटेल लोकेशन जो है रिटेल स्टोर जो है वो हमेशा एक सक्सेस स्टोरी बनेगा सो so, आपको एज ए रिटेलर पार्किंग फैसिलिटी के पॉइंट को भी बहुत अच्छे तरीके से कंसिड्रेशन में रखना है वाइल मेकिंग द डिसीजन इसी तरीके से नेचर क्या है ऑफ नियर बाय स्टोर्स की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लोकेशन के जहां आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी नियर बाय स्टोर्स किस तरह के हैं फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू ओपन अ ब्रांडेड टेक्सटाइल स्टोर और ब्रांडिंग क्लोदिंग स्टोर और आपके साथ जो है शायद एक बुचर की आउटलेट है आपके दूसरी तरफ जो है वो शायद एक मिल्क मैन की दुकान है सो अगेन दैट विल नॉट बी कंसिडर टू बी दी लोकेशन जो कि आपके किसी ब्रांडेड स्टोर को सूट करती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इवेल्यूएट करें एज ए रिटेलर के नियर बाय जो कंपनीज हैं नियर बाय जो स्टोर हैं उनकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है या उनका नेचर क्या है ओवरऑल इसी तरीके से प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या है जब हम लोकेशन की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं सिलेक्शन की बात करते हैं इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ऑफकोर्स प्रॉपर्टी आइदर यू हैव टू बाय और यू हैव टू रेंट और यू हैव टू लीज तो तीनों सूरतों के अंदर प्रॉपर्टी की कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी जगह के ऊपर प्रॉपर्टी कॉस्ट इज लो लेकिन वहाँ का कस्टमर ट्रेडिंग एरिया कस्टमर कैचमेंट जो कैचमेंट एरिया है उसमें कस्टमर बहुत अच्छा नहीं है तो रिजल्टली आपको बहुत अच्छा बिजनेस भी नहीं मिलेगा सो so, आपको एट द सेम टाइम तमाम पॉइंट्स को यू नो यू हैव टू कंसिडर देम टुगेदर और फिर आपको उस लोकेशन के डिसीजन को फाइनल करना है सो प्रॉपर्टी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द मोर द कॉस्ट ऑफ कोर्स यू हैव टू जनरेट मोर रेवेन्यूज़ फॉर इन ऑर्डर टू मेक इट प्रॉफिटेबल फिर लेंथ ऑफ द एग्रीमेंट नॉर्मली जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप लीज अग्रीमेंट या रेंटल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं सो द वाइजर डिसीजन इज कि आप उसको उस प्रॉपर्टी का उस जगह के ऊपर कितना ज़्यादा कितना अर्से की लीज ऑफ द एगरीमेंट जो आपको मिल रहा है लेंथ ऑफ द एग्रीमेंट क्या है दैट इज वन ईयर टू ईयर्स थ्री ईयर्स फाइव ईयर्स सो द मोर लेंथ ऑफ द एग्रीमेंट यू हैव द मोर सिक्योर यू आर एज ए रिटेलर ये आप अगर बड़े रिटेल स्टोर्स को रिटेल चेय्स को देखेंगे सो नॉर्मली दे हैव थर्टी थ्री ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट और नाइनटी नाइन ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट और अगर सेकेंड प्रोफाइल के ऊपर आएंगे तो नॉर्मली दे हैव फाइव ईयर्स और टेन ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट सो लेंथ ऑफ द एग्रीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेकिंग द डिसीजन अबाउट द लोकेशन फिर लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं नॉर्मली अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो कुछ जगहों के ऊपर कि जब स्टोर्स बन जाते हैं या बनने के लिए जा रहे होते हैं सो देर आर सम लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो इन दैट पर्टिकुलर एरिया इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि अगर आप लेट से यू आर गोइंग टू ओपन अ रिटेल स्टोर ऑन दी मॉल रोड एवरी थिंग इज पॉजिटिव लेकिन अगर कैंटोनमेंट के अंदर गाड़ी की एक्सेस नहीं है विच इज़ लोडर व्हीकल क्योंकि सप्लायर ने गुड्स को डिलीवर करने के लिए आना है आपकी लोकेशन के ऊपर तभी आप कस्टमर को प्रोडक्ट्स दे सकेंगे सो इट वुड बी चैलेंजिंग फॉर द रिटेलर कि वो अपनी सप्लाईज को मैनेज कर सकेगा क्योंकि उसके ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शन है या उसके ऊपर एरिया रेस्ट्रिक्शन है कि वहां पर जो है वो लोडर व्हीकल्स या लार्ज व्हीकल जो है वो ट्रेवल नहीं करेंगी या एक टाइम बाउंड तरीके से ट्रेवल करेंगी सो वुड बी अ चैलेंज फॉर द रिटेलर तो ये वो लोकेशन के मेजर पॉइंट्स हैं देर आर अदर हंड्रेड ऑफ पॉइंट जो कि आपको कंसिड्रेशन में रखने चाहिए अपनी लोकेशन को फाइनल करते हुए बट जो पॉइंट मैंने भी आपसे डिस्कस किए हैं ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो कि अगर राइटली एड्रेस हो जाएं तो एक रिटेलर अपनी लोकेशन की बेसिस के ऊपर कभी भी फेलियर का हिस्सा नहीं बनता